हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। डियर स्टूडेंट, हम पंछी उन्मुक्त गगन के क्लास सेवन्थ का फर्स्ट लेसन हिंदी का है। इसके शायद हमने क्वेश्चन आंसर नहीं कराए, तो कुछ व्यूअर्स की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इसके क्वेश्चन आंसर करा दें, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएँ पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे, तो इसका जवाब हम आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर है, पंछियों की विशिष्टता होती है कि वे उड़ सकते हैं। पिंजरे में हर सुख सुविधा मिलती तो है, लेकिन उड़ने की आज़ादी उन्हें नहीं मिल पाती, और पंछी आज़ाद उड़ना चाहती हैं। नदी की शीतल पानी पीना चाहती हैं, क्षितिज से मिलना चाहती हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग और प्रसन्नता भर देती है, जो कि पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छाएं अपना पूरा करना चाहती हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, पंछियां उन्मुक्त रहकर बहती नदी और झरने की शीतल पानी पीना चाहती हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबेरिया खाना चाहती हैं, प्रकृति के सुंदर रूप के आनंद को लेना चाहती हैं, और अपनी गति से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। पेड़ की ऊंची टहनियों पर झूलना चाहते हैं और आज़ाद उड़कर आसमान के अनार जैसे तारों को चुगना चाहते हैं, ठीक है, और क्षितिज से मिलना चाहती हैं। इसलिए पक्षी उन्मुक्त रहना चाहती हैं, ठीक। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की दूरी। इसका आपको भाव बताना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती आसमान से मिलती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, क्षितिज का। यदि कवि पंछियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ कवि पंछियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अगर वो आज़ाद पंछी होते तो क्षितिज से मिल जाना चाहते हैं, वरना उनका प्राण का अंत हो जाए। पंछियां भी क्षितिज से मिलना चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, तो पंछियां भी जो है क्षितिज से मिलना चाहती हैं, चाहे उन्हें किसी भी स्थिति तक जाना पड़े, ठीक है। चलिए अब इससे आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। कविता वाले क्वेश्चन हमारे तीनों हो चुके, अब कविता से आगे की बात देखते हैं। कविता से आगे क्या है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए, ठीक है। बहुत से लोग पक्षियों को पालते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके भी घरों में होंगे बहुत से पक्षी, तो इनको पालना उचित है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है, हमारे हिसाब से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पिंजरे में पक्षियों को उड़ने की आज़ादी नहीं मिल पाती, उनके क्षितिज से मिलने का सपना छीन लिया जाता है। पिंजरे भले ही पंछियों का अच्छा ख्याल रखा जाता है और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, लेकिन उड़ान उनमें जो उमंग व प्रसन्नता भर देती है, वे पिंजरे की सुख सुविधाएं उन्हें नहीं दे सकती है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, तो ये तो जवाब आप ही दे सकते हो, क्या आपने या कोई जानकारी में पाला है, ठीक है। उसकी देख रेख किस तरह की जाती होगी, या आपको खुद से ये क्वेश्चन लिखना है, अगर किसी आपने पाला है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर दो क्या है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब ये कह रहे हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी ही नहीं छीनती, उनकी हनन मतलब उनकी आज़ादी ही नहीं छीनी जाती, बल्कि पर्यावरण भी उससे प्रभावित होता है। तो इसके बारे में आपको 10 लाइनों में अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है।
पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पंछियों का प्रकृति है उड़ना और पंछी हमारे परिवेश की खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। पंछियाँ अगर छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं जिससे उनकी संख्या नियमित होती है। अगर पंछियाँ न हो तो इन कीड़ों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी जो कि हमारे फसल को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी ही नहीं छिनती बल्कि पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे कविता से आगे वाले। अब रहे लास्ट भाषा की श्रृंखला, भाषा की बात के क्वेश्चन अब हमने करने हैं। ठीक है, नहीं सबसे पहले इसके पहले हमें करने हैं अनुमान और कल्पना वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अनुमान लगाना है और आपको काल्पनिक क्वेश्चन करने। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएँ पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ठीक है, अनुमान और कल्पना, देखिए इसका उत्तर है मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए बहुत घातक हैं। ठीक है, मानव अपने बास करने के लिए इमारत बनाते जा रहे हैं जिसके लिए पैर काटना पड़ रहा, पेड़ काटने पड़ रहे हैं और ऐसे ही जंगल कम होते जा रहे हैं। और जंगल ही पंछियों का एकमात्र बास स्थान है और इंसान द्वारा बनाए गए फैक्ट्री तथा परिवेश की वायु और पानी प्रदूषित हो रहा है जो पंछियों के लिए बहुत हानिकारक है। और जंगल कम होने से पंछियों को खाने के लिए फल भी कम मिलने लगे हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कई ज़्यादा पेड़, गलत लिखा है इसमें, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जिनमें पंछियाँ रह सकें और उनके कहने की कमी ना हो, उनके रहने की कमी ना हो। ठीक है, रहने की कमी ना हो और पंछियों का शिकार बांध करना होगा। ठीक है, इसके बाद अनुमान और कल्पना में दूसरा क्वेश्चन है यदि आपके घर में किसी स्थान पर पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़े तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? ठीक है, ये भी आपको अपने आप बनाना है क्वेश्चन, अनुमान लगा के करना है कि यदि ऐसा हो गया हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यदि हमारे घर के किसी स्थान पर पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो बड़ों से हम अनुरोध करेंगे कि उस घोंसले के अंडों को कोई ना छेड़ सके और उसका बंदोबस्त करे। उन अंडों से निकले बच्चे जब तक उड़ना न सीख जाए तब तक हम उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन क्या है, भाषा की बात के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के तीन और उदाहरण दीजिए। जैसे स्वर्ण श्रृंखला है लाल किरण सी, इस तरह के तीन और उदाहरण आपको कविता से ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, तो इसके तीन उदाहरण हम बताते हैं आपको। पहला उदाहरण है उन्मुक्त गगन, दूसरा है तारक अनार पुलकित पंख। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे है देखिए भूखे प्यासे में द्वंद समाज है। ठीक है, भूखे प्यासे में इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह सामसिक चिन्ह कहलाते हैं। सामसिक चिन्ह, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है जो भूखे प्यासे और प्यासे। इस प्रकार के 10 उदाहरण भी अपने किताब से खोज के आपको लिखने हैं कविता से। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे क्या है, सुख दुख धूप छाँव, इनके बीच में ये चिन्ह लगा है ना, ये देख रहे हैं आप, खाते पीते रात दिन, इस प्रकार के आपको बनाने हैं। और ये रहे हंसते गाते, दाल रोटी अन्न जल, सुबह शाम तन मन, ये होगा इसके 10 क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट,
इस चैप्टर के हम पंछी उन्मुक्त गगन के सारे क्वेश्चन आंसर आज हमने आपको करा दिए हैं। आपको ये कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।